पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जताई चिंता। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति, जनता की रक्षा करना हमारा धर्म। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में टूट रही है संविधान की मर्यादा, सीएम ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा, कल का हमला शर्मनाक, सीएम ममता को किया आगाह, आप राह से भटकेंगे तो मेरे दायित्व की होगी शुरुआत। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। जेपी नड्डा पर हमले के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी, फेसबुक पर लिखा, हम बदलेंगे भी और बदला भी लेंगे। दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट में टीएमसी और सीएम ममता को दी सीधी धमकी, लिखा, उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। 2011 में ममता बनर्जी ने दिया था स्लोगन, बदला नहीं हम बदलेंगे, बीजेपी ने ठीक इसके उलट दिया स्लोगन। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सायंतन बसु ने भी दी धमकी, शोले फिल्म का सुनाया डायलॉग। शोले सिनेमा डायलॉग सुने चंदो, एक मारोगे तो हम चार मारेंगे, बीजेपी चाहिए। शोले सिनेमा डायलॉग सुने चंदो, एक मारोगे तो हम चार मारेंगे, बीजेपी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, सूत्रों से मिली खबर। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब, 14 दिसंबर को बुलाया दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बीच गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल, 19-20 दिसंबर को शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ममता सरकार पर वार, कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले से घबराई है ममता। दिल्ली में बंग भवन पर भी पथराव, दिल्ली पुलिस बोली टीएमसी ने नहीं की कोई शिकायत। बंगाल में काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार पर किया जोरदार हमला। एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, यही हमको देखने को मिला है। लॉलेसनेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, यही। ममता ने नड्डा के आरोपों को बताया नौटंकी, कहा, इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच नहीं हो सकता हमला। दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बीजेपी न डरती है न झुकती है। और जो प्रजातंत्र के ऊपर एक तांडव रचाया जा रहा है बंगाल में, इसका बदला पूर्ण रूप से जनता लेगी और उस सरकार को उखाड़ के देगी। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का ममता सरकार पर वार, कहा, ममता ने घुसपैठियों से कराया बीजेपी अध्यक्ष पर हमला, हत्या की थी साजिश। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, ममता हटाओ बंगाल बचाओ के प्ले कार्ड लेकर उतरे कार्यकर्ता। ममता बनर्जी कानून हाथ में ले नहीं सकती, डर के कारण भय के कारण उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया, बंग भवन के बाहर सीएम ममता के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कर्नाटक में गौरक्षा बिल पास होने पर सीएम येदियुरप्पा ने जताई खुशी, गौ पूजा की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम हैं साथ। हमारे प्राचीन समय से ही द्विपक्षीय संबंधों, हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, किसानों की मांग पर हो रहा है विचार। तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है कि भाई कुल मिला के इन कृषि मंत्री की अपील, आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से सुलझाएं मुद्दा। तोमर ने कहा, एपीएमसी को सुदृढ़ करने का ही का मुद्दा हो या बिजली पर किसानों की आशंका, इसे छठे दौर की बैठक में किया गया था।
कृषि मंत्री ने कहा किसानों की बाकी आशंकाओं को भी बातचीत से किया जाएगा दूर। किसान आंदोलन में बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल, टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगाए पोस्टर। कृषि मंत्री ने टिकरी बॉर्डर के आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों का पोस्टर दिखाने पर उठाए सवाल। एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहां से हो सकती है? किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है। टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से झाड़ा पल्ला, कहा उस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर, 29 नवंबर से धरने पर हैं किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का केस किया। सिंघू बॉर्डर पर 16वें दिन भी डटे किसान। किसानों ने कहा सरकार की नियत में है खोट, इसलिए लटकाया प्रपोजल। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोला है कि कल कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकलेंगे हमारे उधर किसान मजदूर। कंगना रनौत का गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर पलटवार, किया ट्वीट, अगर सच में अपनी माताओं का आदर सम्मान करते हो तो सुन लो आखिर फार्मर्स बिल क्या है। कंगना ने कृषि कानून पर पीएम मोदी की अपील वाली यूट्यूब क्लिप भी शेयर की। चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है पुलिस, स्थानीय लोगों ने बांटे फूल। नोएडा में आंदोलनकारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहती है पुलिस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा की देखरेख में जुटे दो आईपीएस ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव। किसानों के समर्थन में ब्रिटेन के बर्मिंघम में प्रदर्शन। सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय हाई कमीशन को लिखी चिट्ठी, आंदोलन में खालिस्तानियों को घुसने पर जताई चिंता। किसान आंदोलन की बीजेपी ने खोजी काट, नए कृषि कानून के प्रचार का संभाला मोर्चा, देश में 100 जगह पर बीजेपी करेगी चौपाल। बीजेपी नेता देश के 718 जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाना हमारा कर्तव्य। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा जब तक हम सरकार में किसानों को एक एक दाने की एमएसपी मिलेगी, जिस दिन ये नहीं कर सके उस दिन इस्तीफा देकर सरकार से बाहर चले जाएंगे। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूं। गाजीपुर बॉर्डर पर 16वां दिन किसान आंदोलन का, अमृतसर की बाबा की रसोई से परोसा जा रहा है खाना। अमृतसर में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च। आंदोलनकारी किसानों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई अरदास। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर सुमित सांगवान ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी बॉक्सर सुमित सांगवान की शादी में पहुंचे, दी बधाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की सरकार को नसीहत, जल्दबाजी में लाए गए कृषि कानून को लें वापस। राजस्थान में दो बीटीपी विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लिया। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी अयोध्या के राम मंदिर की झांकी, दीपोत्सव भी दिखाया जाएगा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत, सरकार ने गठित की जांच कमेटी, 3 दिन में देगी रिपोर्ट। श्रीनगर में लद्दाख हाईवे से हटाई जा रही है बर्फ, 3 दिन की बर्फबारी से हाईवे पर जमा थी बर्फ की मोटी परत। चारा घोटाला केस में जेल में बंद लालू की जमानत याचिका पर 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में दी गई अर्जी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दंगल, केजरीवाल के घर के बाहर 5 दिन से विरोध में बैठे हैं तीनों एमसीडी मेयर। दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ फंड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, आज केजरीवाल के मंत्रियों के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने के फैसले का विरोध। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है वक्त, पैनल ने मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 97,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 414 लोगों की मौत, अब तक 1,42,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5000 नए मामले। अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आईसीएमए और भारत बायोटेक के जरिए कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल, 12 दिन में रिकॉर्ड 1000 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। यूपी के हाथरस में बारात के दौरान हादसा, हाई टेंशन वायर से टकराई बैंड वाली गाड़ी। अलवर में हेड कांस्टेबल का मिला शव, शरीर पर चोट के निशान। अमृतसर के रायपुर गांव में युवक को पेड़ से बांध कर पीटा। वायनाड में 100 किलो गांजे के साथ दो लोग हिरासत में लिए गए। श्रीनगर के नूरबाग में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों ने 3 लोगों को किया अगवा, 10 दिन से नहीं मिला कोई सुराग। दुर्गापुर में पेट्रोल पंप पर टैंकर में लगी आग, जल्द आग पर पाया गया काबू। भूमि पेडनेकर ने अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्गामती को किया प्रमोट। शादी के तीसरे सालगिरह पर विराट कोहली ने पोस्ट की अपनी और अनुष्का की शादी वाली खूबसूरत तस्वीर। कपड़े की शोरूम में घुसी पुलिस की बेकाबू कार, बाल बाल बचे दुकानदार। फतेहाबाद में सामने आया एक किसान का बेरहम चेहरा, गन्ना तोड़ने पर 10 साल के बच्चे को बांध कर पीटा। प्रेम प्रसंग के मामले में भीड़ ने कराई युवक से उठक बैठक। मंचले ने घर में घुसकर चलाई गोली, गंभीर रूप से जख्मी महिला। युवक की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था मृतक। पत्नी और 3 बच्चों को मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा पत्नी से था परेशान। कोलकाता में एक घर से कंकाल बरामद, मां पर बेटे की हत्या का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आए हाईवे के 5 लुटेरे, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और इनोवा कार बरामद। पति से नाराज होकर महिला नहर में कूदी, पुलिस के एक सिपाही ने पानी में लगाई छलांग, बचाई जिंदगी। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, गिरोह के दूसरे बदमाशों की तलाश जारी। दिल्ली में ज्वेलर पर हमला कर 4 किलो सोने के जेवरात की लूट। सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी पर लटक कर दी जान, सुसाइड नोट में सौतेले ससुर और सास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। भोपाल में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, अलग अलग सीमेंट कंपनीज की 900 खाली बोरी जब्त। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी आरोपी, रेलवे ई टिकट रिजर्वेशन घोटाले में था शामिल। दरभंगा में बड़ी लूट के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस, बैंक से लेकर सराफा बाजार तक जांच।